हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। अगर आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं, आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आ गया है या फिर कोई ऐसा समस्या हो गया है जिसके कारण आपको लगता है कि ये अकाउंट आपके लिए ठीक नहीं है और ये डिलीट ही कर देना बेहतर है, तो आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कैसे करेंगे। और कोई भारी बात नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हैं आप इसको डिलीट। बहुत ही सिंपल तरीका है, बस आपको वीडियो को अंतिम तक देखना है बिल्कुल विस्तार से, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कीजिएगा तो आपको सही से समझ में नहीं आएगा। और आपसे मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक करना है। देन दोस्तों, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आप कोने में देख सकते हैं थ्री लाइन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है। देन दोस्तों, अकाउंट सेंटर पर क्लिक करना है। और फिर आप देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आ गया है। फिर आपको पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने तीन ऑप्शंस आया है, कॉन्टैक्ट इन्फो, डेट ऑफ बर्थ, अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो आपको सबसे नीचे वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल पर। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आ गया डीएक्टिवेशन और डिलीशन, यानी ये वही ऑप्शन दिया, डीएक्टिवेट और डिलीट कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से। तो इस पर क्लिक कर लेना है आपको। देन दोस्तों, आपका जो आईडी है उसका यूज़र नेम आएगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेन चीज़ जो होता है, मेन काम यहाँ पे होता है। आप देख सकते हैं दो ऑप्शंस दिया हुआ है, एक है डीएक्टिवेट अकाउंट और एक है डिलीट अकाउंट। देखिए क्या लिखा है, डीएक्टिवेटिंग योर अकाउंट इज टेम्प्रेरी, यानी कुछ समय के लिए आपका अकाउंट डीएक्टिव हो जाएगा अगर आप इससे करेंगे। तो अगर फिर दूसरे ऑप्शन में जो दिया हुआ है, डिलीटिंग योर अकाउंट इज परमानेंट, यानी आप दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करके अगर आप अपना अकाउंट को डिलीट करते हैं तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा ये। ठीक है, तो मुझे हमेशा के लिए डिलीट करना है तो मैं दूसरे वाला ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो गाइस यहाँ कुछ रीजंस पूछ रहा है ये, तो मैं सिंपली ट्रेवल गेटिंग स्टार्ट का रीज़न दे देता हूँ और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी आपको कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद ये पासवर्ड मांग रहा है और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट का जो भी पासवर्ड है वो दे देना है। तो मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ इसमें। तो पासवर्ड डालने के बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ गाइस। देखिए अब ये कह रहा कन्फर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन, यानी क्या आप पक्का डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, इफ़ यू कंटिन्यू विथ अकाउंट डिलीशन योर प्रोफाइल एंड अकाउंट डिटेल्स विल बी डिलीटेड ऑन 5 सितंबर 2023 यू वॉन्ट बी डिलीशन ऑन, यानी कह सकते हैं ये पूछ रहा है कि आप अगर कन्फर्म है तो अपना अकाउंट आप डिलीट कर कीजिए। तो मैं यहाँ सिंपली डिलीट अकाउंट पर क्लिक करूँगा और आपको भी ये करना है तो ऐसा ही करना है सेम ईयर। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। और गाइस आप देख सकते हैं मेरा वो वाला अकाउंट डिलीट हो गया, फाइनली वो अकाउंट ख़त्म हो गया यहाँ पे और शो नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार आप अपना अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम आता है और हमें कमेंट कीजिए, हम ज़रूर उस पर आपका सहायता करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।